हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का NTT क्लास में स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था, जिसमें हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 37। बेरोजगारी क्या है? भारतीय कृषि में बेरोजगारी के कारणों की विवेचना करें और मुख्य उपायों को बताएं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहां से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो देखते हैं, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए हमारे वैज्ञानिक ने लिखा है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की एक दशा है, श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के संस्थानों की संख्या से अधिक है। बेरोजगारी क्या है? एक सामान्य मजदूरी करने वाले वर्ग को सामान्य काम करने वाले समय में सामान्य वेतन पर और सामान्य दशाओं में वेतन मिलने वाले काम से अनिच्छापूर्वक या जबरदस्ती अलग कर देना है। साधारण रूप में बेरोजगारी का मतलब इच्छा करने पर काम ना मिलना। ठीक है, आप सभी को भली भांति ये चीज पता है कि हमें किसी काम की रिक्वायरमेंट है और हमें उचित समय पर अगर वो काम नहीं मिले तो उसी को क्या कहा जा सकता है? बेरोजगारी। भारतीय कृषि में बेरोजगारी कैसे होती है? भारत के गांव में किसान तीन माह से लगातार क्या है, बेकार रहते हैं। सन 1951 में प्रकाशित राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमिटी की रिपोर्ट की अगर माने तो भारत में खेती के काम में लगे हुए व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय 180 रुपये आंकी गई थी और अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की आय इससे 2.5 गुना यानी कि 416 रुपये आंकी गई थी। ये हमारा एक रिपोर्ट है जो 1951 में प्रकाशित किया गया था। आय की इस कमी के कारण कृषि संबंधी बेरोजगारी रहती थी। अब उसी के बारे में आगे कारण पढ़ेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी को प्रोत्साहन मिला। पहला कारण है भूमि का सीमित होना। उस समय पर लोगों के पास भूमि क्षेत्र इतना नहीं होता था कि वो उस पर खेती करके अपना जीवन यापन कर पाए, तो ये एक बड़ा कारण कहा जा सकता है कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का। दूसरा आता है सहायक उद्योगों का अभाव। आज की तकनीकी तो काफ़ी विकसित हो चुकी है, उस समय की अगर हम बात करें तो उतने हमारे पास तकनीकी उद्योग भी नहीं होते थे। उसके बाद आता है अवैज्ञानिक और पुरानी कृषि पद्धति। हम पुराने तरीकों से कृषि करते थे तो उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाता था। जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, हर साल 50 लाख व्यक्ति बढ़ जाते थे जिससे कि बेरोजगारी बढ़ती थी। कृषि की अव्यवस्था रहती थी, खेती की मौसमी प्रकृति ये भी एक बड़ा कारण माना गया था। कृषि हमेशा वर्षा पर आधारित थी, जिस साल या जिस वर्ष वर्षा नहीं होती थी तो कृषि का उत्पादन उतना नहीं होता था, जिस वजह से क्या है बेरोजगारी बढ़ती देखी गई। इसके अलावा भूमि का भी विभाजन हो गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी और इन बटे हुए टुकड़ों पर उपज भी बहुत कम होती थी, ये भी एक मुख्य कारण था। अब मुख्य उपाय क्या थे? मुख्य उपाय में अगर हम बात करें, कृषि व्यवस्था में सुधार किया गया अलग अलग उपायों के द्वारा, जैसे कि गहरी खेती की पद्धति को अपनाना चाहिए क्योंकि एक अच्छा उपाय है। भूमि की उपज बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों, औजारों और पशुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि में सुधार के लिए अनार्थिक जोतों का अंत करना और भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने से रोकना,
इस तरह से सुधार करके कृषि व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, या फिर आप भूमि क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कृषि बाजार का संगठन कर सकते हैं, सिंचाई का समुचित प्रबंध कर किया जा सकता है, सहायक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, या फिर सामाजिक स्थानांतरण का प्रबंध होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्थान पर मजदूर की अत्यधिक मांग है, जबकि उस समय दूसरी जगह हजारों आदमी बेकार पड़े रहते हैं। तो हमें ये कैलकुलेशन देखनी चाहिए कि किस समय पर कहाँ कितने मजदूर को आप उपलब्ध करवा सकते हो। ये भी एक प्रमुख उपाय रहेगा कृषि संबंधी बेरोजगारी को हटाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करें। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, समाज और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक क्या संबंध हो सकते हैं? व्यक्ति और समाज परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करता है। दूसरी तरफ समाज के बिना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में विकास होता है। तो दोनों को पारस्परिक संबंध घनिष्ठ बनाकर रखने पड़ेंगे। अब ये कहता है कि जब मानव जीवन का विश्लेषण करते हैं तो दो प्रमुख आधार देखने को मिलते हैं। पहला आता है मनुष्य का प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा उसका सामाजिक आधार। अब देखो इसके बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी इन्होंने मेंशन कर रखी है, अमला और कमला। आप इसको एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी कि कैसे व्यक्ति और समाज के बीच में पारस्परिक संबंध रहते हैं। बहुत आसान है, आप इसको सेल्फ बेस पे पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, व्यक्ति को समाज का योगदान किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला आता है कल्चरल पैटर्न एंड कल्चरल बिल्डिंग, यानी कि सांस्कृतिक प्रतिमान और चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण एक ऐसी चीज है जो समाज में ही संभव है। समाज में रहकर ही मानव प्रतिमानों को सीखता है। दूसरी विशेष आता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास भी मानव जीवन की देन है। व्यक्तित्व से हमारा अर्थ केवल व्यक्ति की भ्रम बनावट से नहीं है, बल्कि उसका आंतरिक स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी मनोधारणा, ये सब भी उसके व्यक्तित्व विकास का मूल्य विशेषताएं रहेंगी। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, खुद का विकास करना, वो भी समाज में रहकर ही पॉसिबल है। सामाजिक कारण आ सकते हैं। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण व्यक्ति को समाज की एक अनुपम देन है। यदि समाज ने यह अनुपम भेंट व्यक्ति को न दी होती तो वह उस अर्थ में सामाजिक प्राणी न कहलाता जिसमें कि वो आज है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्ति की समाज पर निर्भरता क्या क्या है। व्यक्ति की समाज पर निर्भरता तीन प्रमुख आधार पर होती है। सबसे पहले आता है व्यक्ति के लिए समाज अनिवार्य है, समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। दूसरा हम पढ़ेंगे, समाज व्यक्ति का स्वाभाविक विकास है। जब वह अपने अस्तित्व के लिए उस पर आश्रित है तो उसने अपनी बुद्धि और संगठन से समाज को निर्मित भी किया है। समाज मनुष्य का उन्यांक है, यानी कि समस्त प्राणी जगत में मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो ये सारी क्या है? व्यक्ति की समाज पर निर्भरता है। अगर हम बात करें व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में मुख्य सिद्धांत क्या है, थ्योरी कौन कौन सी हम इसमें पढ़ सकते हैं, तो प्रमुख तीन प्रकार के सिद्धांत हैं जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है सामाजिक समझौतों का सिद्धांत। इसमें आप पढ़ोगे
कि मानव इतिहास में दो कालों में बांटा गया था। सबसे पहले आता है प्राथमिक अवस्था का युग, जिसमें मानव व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए कोई नियम या कायदे नहीं थे। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छा अनुसार कार्य करता था। दूसरा युग में समझौता काल आता है। इस युग में राज्य, समाज, नागरिकता, इन सब का उदय हुआ। स्वयं को प्रथम अवस्था से मुक्ति देने के लिए मनुष्य ने सामाजिक समझौतों द्वारा समाज का निर्माण किया। तो ये कुछ सिद्धांत हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे साम्यवी सिद्धांत। क्या होता है साम्यवी सिद्धांत? सामाजिक समझौतों के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। यह सिद्धांत समाज को ही सब कुछ मानता है और इस बात पर बल देता है कि समाज से बाहर व्यक्तित्व का अस्तित्व जो है अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, ये रहता है हमारा साम्यवी सिद्धांत। अब जहाँ पे भी कोई टिप्पणी दी जाती है उसका आपको आलोचना जरूर देखने को मिलेंगी। तो ये नीचे बता रखा है कि कैसे हर एक सिद्धांत की आलोचना की गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत। सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत भी साम्यवी सिद्धांत की तरह कुछ अस्पष्ट विचारों द्वारा निर्मित किया गया। इसके अंतर्गत समाज को एक सामूहिक मस्तिष्क का रूप प्रदान किया है। प्लेटो और हिंगल, ये दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इसी को समर्थन दिया गया कि मस्तिष्क का सिद्धांत ही क्या कहलाता है, सामूहिक मस्तिष्क सिद्धांत। तीनों सिद्धांतों में सबसे पहले सिद्धांत व्यक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है और दूसरे दोनों सिद्धांत समाज को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। वास्तव में ये दोनों दृष्टिकोण एक पक्षीय है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति और समाज में गहरा संबंध है और इनका अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम दोनों चीजों में किसी भी एक को प्रायोरिटी नहीं दिखा सकते। समाज और व्यक्ति दोनों ही आपस में निर्भर रहते हैं। ठीक है, व्यक्ति समाज में रहकर चीजों को सीखता है, उसके मस्तिष्क का विज्ञान जो है एक अच्छे लेवल पर बढ़ता है। इसी तरह से व्यक्ति अपने मस्तिष्क द्वारा समाज को भी काफी हद तक सुधार सकता है। आया समझ में आप लोगों को? देखो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन हमारी निजी जरूरत है और वो जरूरी भी है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। हमारी प्रकृति में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो। हर किसी का समय पर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम डेविस के साथ जाएंगे। डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो कि सामाजिक ढांचों में होते हैं। हमारे जो सामाजिक ढांचे हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, सामाजिक परिवर्तन। आपको जिसकी भी परिभाषा बहुत आसान लगे, मैं प्रेफर डेविस को करती हूँ, तो आप ये पढ़ोगे तो भी बेहतर रहेगा। अब देखो, सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारक देखते हैं। अलग अलग कारक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें जो आपके बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो वंशानुक्रम पद्धति के बेस पर रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक में हम समाज शास्त्र में भौतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर नहीं करते। जब कोई भी परिवर्तन हमारे भौतिक और भौगोलिक पर्यावरण में होता है तो इसका प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है।
इसी तरह से आता है संख्यात्मक कारण कि जनसंख्या में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक कारक, जैसे जैसे आर्थिक जगत में विकास होता है तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी कारक। जब हम शुरुआती दौर की बात करें तो मनुष्य कृषि करता था पुराने साधनों के साथ। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ वैसे वैसे प्रौद्योगिकी कारकों में भी परिवर्तन आया। उसके बाद राजनीतिक कारक आते हैं। अगर हम प्रदेश या राज्य की बात करें तो उसमें दो या चार भागों में अलग अलग इसको राजनीतिक तौर पर बांटा गया है। जैसे कि भाषा के आधार पर सूबे की मांग करना, अनशन करना, धरना देना, विभिन्न प्रकार की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करना। तो इस तरह से भी राजनीतिक कारक अलग अलग तरह से सामाजिक तौर पर परिवर्तन में लाए गए। इसके बाद आप पढ़ोगे सांस्कृतिक कारक। संस्कृति में भी आपको पता है कि लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, तो ये भी इसका एक प्रमुख फैक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कारक, जो हमारी सोशियोलॉजी है या जो हमारी साइकोलॉजी है उसके फैक्टर भी लगातार चेंज होते रहते हैं। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी संघर्ष क्या क्या थे। सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। जहां सहयोग जीवन और व्यवस्था में एक रूपता, एकीकरण एवं संगठन का विकास करता है, वहीं दूसरी ओर संघर्ष दमन, विरोध, हिंसा इन सब की उत्पत्ति करता है। आज सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति न होकर असहमति, प्रतिस्पर्धा, स्वार्थी, ये जो संघर्ष हैं ये सब की प्रधानता होती जा रही है। अतः कहा जा सकता है कि संघर्ष सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर हैं जो हमारे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों की क्लासेस अच्छी जा रही होंगी, आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ आती होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप पे इस सेम नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी स्टडी को कॉन्टिन्यूसली रखें।